वाराणसी में भेलूपुर क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां गौरीगंज सुनारपुरा इलाके के बाड़ा गंभीर सिंह मोहल्ले में स्थित एक कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। आग लगने के लगभग पौन घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भेलूपुर पुलिस सहित एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह मौके पर उपस्थित रहे। राहत एवं बचाव कार्य जारी है, घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रही। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। जी अपना परिचय बता लीजिए। मोहम्मद खालिद। किस प्रकार की घटना हुई या किस वजह से आग लगी? ऐसा है कि ये शॉर्ट सर्किट से सुबह 8:30 बजे लोग अपने घर पर नाश्ता पानी का प्रोग्राम कर रहे थे, उसी वक्त एक बैग मतलब कहीं से स्टार्ट हुआ और वो आग नीचे कारखाने में लगी थी। जो मजदूरी का काम करके साड़ी वगैरह का काम करता है, माड़ी वगैरह पॉलिश लगाता है, उसमें उसका ध्यान नहीं हुआ। जब आग ये अपने आप बढ़ी है तब ऊपर मालूम हुआ कि नीचे आग लगी हुई है, और जब तब तक मतलब वो आग इतनी विध्वस्त आगे बढ़ गई थी कि ऊपर किचन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कितने देर में आई है? आधी के पौन घंटे में वो आ गई। कितने बजे घटना है आज? ये करीब 8:30 बजे घटना है। कितने का नुकसान हुआ होगा? देखिए इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब तो ये जो गद्दीदारों का माल लाया हुआ है, क्योंकि मजदूरी करता ना है, इसको तो पता नहीं कि 1000 की साड़ी है कि 5000 की साड़ी है। ऐसे अंदाज ये कैसे लगा देगा? ये तो मजदूर है, जिसका माल बनाता है वो पुर्जा बना के देगा, तब मालूम होगा कि कितने का माल है। जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है वो आप समझ रहा है, ये लगभग मतलब जो है लाखों में है माल।